सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ता है। किसी को ना पाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, पर किसी को पा के खो देने से कुछ भी नहीं रहता। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। आज का पंचांग 9 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार, अषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, सुबह 6:46 तक रहेगी। आद्रा नामक नक्षत्र रात्रि 11:14 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:25 से 11:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी मिथुन राशि पर ही रहेंगे। वृषभ राशि 8 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार, हाल ही में हुई हानि से निराश ना हो, इसके बजाय खुद का ख्याल रखें। स्वास्थ्य संबंधित चिंता आपको डॉक्टर के पास ले जा सकती है। बुराइयों से हर हाल में बचें। प्रियजनों से बातचीत उस चिंता को कम करेगी जो आपको परेशान कर रही है। अतीत को अतीत में ही रखें। यह समय अपने मानसिक बजट का संतुलन बनाए रखने का है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना आज आपको अच्छा लगेगा। जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हा वही होता है जब आपका परिवार आपको दोस्त समझने लगे और आपके दोस्त आपको अपना परिवार। जरूरत है अपने अंदर सकारात्मक सुविचार लाने की। ग्रह गोचर उत्तम बना हुआ है, आप अपने कार्यों को सलीके के साथ करके अपने लक्ष्य के निकट पहुंच सकते हैं। वरिष्ठ सदस्यों की सलाह पर अवश्य ध्यान दें, आपके लिए कारगर साबित होगी। आपका सहज स्वभाव भी समाज में आपकी लोकप्रियता को बढ़ाएगा। आपको प्राप्त हुई स्थितियों की वजह से समाधान भी मिल रहा है, लेकिन अगला लक्ष्य तय करने की बेचैनी भी आपके अंदर उत्पन्न होगी। फिलहाल दूर की सोच रख पाना संभव नहीं होगा, इसलिए खुद के लिए छोटे लक्ष्य बनाए रखें जिनके द्वारा जीवन शैली का स्तर भी बढ़ेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ा फायदा प्राप्त होगा। किसी काम को बंद करके नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। निर्णय लेते समय पार्टनर के द्वारा हो रही गलतियों का एहसास भी उनको दिलाने की आवश्यकता होगी। सौम्य स्वरूप से बातचीत करें। सावधानियां, बच्चों को छोटी छोटी बातों पर डांट फटकार लगाना उनके मनोबल में कमी ला सकता है। अपने गुस्से पर कंट्रोल करके शांति से काम लें। आप किसी प्रकार के आर्थिक विनम्रता में भी फंस सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां ना आने दें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा। मोहब्बत के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए यह चरण बेहतरीन है। ऐसे में अपने साथी को खुश करना ना भूलें। आपका एक उपहार क्यूपिक का काम कर सकता है। अच्छा, आपकी इच्छा मस्ती और शॉपिंग करने की हो सकती है, परंतु इससे आपका बचत भी हिल सकता है। वास्तव में आज आप समवन स्पेशल के साथ कुछ जादुई छठ गुजारना चाहते हैं। एक लंबी चैट हाथों में हाथ लेकर घूमना या एक ड्राइव कल्पना लोक में ले जाएगी, जिससे आप खुद को पूर्ण और संतुष्ट महसूस करेंगी। बात करते हैं करियर की। यह समय अपने गुप्त क्षमताओं को बाहर लाने और असहाय लोगों की मदद करने का है, जिससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। अच्छा, आपको अचानक धन प्राप्त होगा या आप धन अर्जित करने के नए रास्तों को ढूंढेंगे। सफर में हुई गड़बड़ी या सामान की हानि हो सकती है। सावधान रहे, पिछले कुछ दिनों से आपको अपने पेशेवर जीवन में परिवर्तन नजर आ रहा है। आपकी निपुणता आपको तारीफों का पात्र बनाती है। नए नीतियों की योजना और उसे प्रस्तुत करने की आपकी क्षमता आपकी सफलता का कारण है। आज धन पहचान और प्रसिद्धि आपके साथ है, इसीलिए पूरे
आत्मविश्वास से मेहनत करें। व्यवसायिक स्तर पर कुछ परेशानियां चलती रहेगी, लेकिन आपकी मेहनत से आंशिक रूप से कुछ सफलता भी जरूर मिलेगी। प्रॉपर्टी संबंधित कोई महत्वपूर्ण डील संभव है। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ वाद विवाद में ना पड़ी। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों की वजह से सावधानी बरतना जरूरी है। आज का उपाय, आज आप गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।